ओशो कक्ष के बारे में बताइए कुछ। ओशो का कक्ष है, इसमें भगवान कक्षा 6 से लेकर के 11 तक पड़े हुए हैं और यहाँ भगवान के बैठने का स्थान था। अच्छा, खिड़की के पास बैठे। हाँ। आज भी इसको ओशो के नाम से जानते हैं कि ओशो का स्कूल। अच्छा, ओशो का स्कूल जी। ओशो कक्ष के पीछे का भाग है जहाँ पर एक गुफा है, यहाँ से भगवान जा करके और हु, 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 हु। अच्छा, वो कहने लगे भूत 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 भूत। अच्छा, डराते थे, डराते थे तो बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। अच्छा, स्वागत है हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम ओशो लाफ्टर योगा एंड मेडिटेशन में। Oh, my God.
विपस्सना में श्वास जैसी है वैसी ही देखने की आकांक्षा है, जैसी है, ऊबड़ है, खाबड़ है, अच्छी है, बुरी है, तेज है, शांत है, दौड़ती है, भागती है, ठहरी है, जैसी है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम देखा, कैसा आपको लगा? इसे ध्यान के माध्यम से बच्चों ने बहुत आनंद उठाया और इसका पूरा जो भगवान बताना चाह रहे हैं इसके बच्चों ने पूरा ग्रहण किया इसको, और एक अद्वितीय आनंद की प्राप्ति हुई इसके माध्यम से। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम स्वामी आनंद नारायण। प्रोग्राम जो आज आपने स्कूल में बच्चों के साथ किए ये बहुत बढ़िया था, और बच्चों के लिए हम आगे भी ये प्रोग्राम करते रहेंगे। हमने ये देख लिया किस ढंग से करना है। आपका नाम स्वामी जी? मेरा स्वामी अंतर्शुद्ध।